फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर। आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से आ गए हैं। तो इसमें आपको हम आज कैनन G-2000 प्रिंटर के बारे में बताएंगे, जिसमें ये आप प्रिंट देख सकते हैं। ये हमारा कलर हेड खराब होने की वजह से ये प्रिंट आ रहा है। इसमें देखेंगे आप, ये काफ़ी सारी लाइनिंग है, कार्ट्रिज आ रही है। तो ये हमारा हेड जो होता है, इसमें कलर हेड है, तो ये जब ब्लॉक हो जाते हैं काफ़ी टाइम तक, हम जब अपने प्रिंटर को बंद रखते हैं तो इनके अंदर फ्लो बन जाती है या ब्लॉक हो जाते हैं, तो इस कारण से हमें ये दिक्कत आती है। तो हम एक बार अपने प्रिंटर का हेड चेंज करके देखेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसी प्रिंटिंग आती है। हमारे पास ये कैनन का हेड है जो हम इस प्रिंटर में लगाएंगे। ये आपको मार्केट में लगभग 1200 रुपये का एक कार्ट्रिज आती है। तो ये देखिए, हम इसको अनबॉक्सिंग करके लगाकर चेक करेंगे। चेक करेंगे ये प्रिंटिंग कैसी आती है। ये हमारा प्रिंटर रेडी हो गया है। तो हमने फोटोकॉपी के लिए इसमें ये कॉपी रखी है, तो इसमें हम देखेंगे कि सारे कलर आते हैं या नहीं। ये देखेंगे हमारी प्रिंटिंग आ रही है। तो ये देखेंगे, अब हमारा नया हेड लगने के बाद ये प्रिंटिंग आ रही है और हमारे पुराने हेड पे ये प्रिंटिंग आती, तो आपको इसमें बहुत अंतर दिखाई देगा, क्योंकि हमारा जो ये पुराना वाला हेड था ये पूरी तरह से ब्लॉक हो रहा था। इस वजह से ना तो हमारा कलर कोई आ रहा था ना तो ये आपके सामने फोटो कॉपी थी। तो इस प्रकार से देखेंगे कैनन या और कोई भी मॉडल हो, कैनन, एचपी, सैमसंग, ब्रदर, कोई सा भी प्रिंटर या कार्ट्रिज हो, सूरज कंप्यूटर सभी प्रिंटर कार्ट्रिज रिफिल करते हैं या प्रिंटर रिपेयर करते हैं। तो